हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज ज़रूर से हो जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी ज़िंदगी को प्रेजेंट मोमेंट में जिए, एन्जॉय ढूँढें हर उस चीज़ में जो आपके पास है एंड जो आपके पास नाउ है, नॉट फ्यूचर में है, नॉट पास्ट में थी, पर प्रेजेंट मोमेंट में है हर एक वो छोटी चीज़। आजकल की इस ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से मूवमेंट हो रही है, इतनी तेज़ी से लोग रश कर रहे हैं आगे की तरफ, इसमें बहुत असेंशियल है कि आप एक स्टेप बैक लें एंड अप्रिशिएट करें अपनी लिविंग को राइट नाउ। सो जॉइन मी टुडे, आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप नाउ में रह सकते हैं एंड हर उस मोमेंट को चेरिश कर सकते हैं जो आपके साथ है। आज हमारा प्लान है कि हम जो भी मैंने खाने के लिए बनाया है, मैंने पास्ता बनाया था, मटर पनीर बनाया था, हमने सोचा कि बाहर आउटडोर स्पेंड करते हैं क्योंकि ये लास्ट कुछ गर्म दिन है कैलगरी में एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गर्म। सो हमने सोचा नेचर में बैठ के पिकनिक मनाते हैं। ये जो हम छोटी मोटी पिकनिक्स मनाते हैं ना बाहर जाके, इतनी अच्छी मेमोरीज क्रिएट होती हैं, इतना मज़ा आता है, अलग सी एक वाइब आती है, स्पेशली जब आप घर का कुक्ड खाना बाहर जाके खाते हैं। नाव में जीने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रैंड जेस्चर की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको स्टार्ट करना है अप्रिशिएट करना जो भी ब्यूटी आपके अराउंड है। मेरे लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये कैलगरी की माउंटेन्स, या किसी भी तरफ चले जाओ आपको नेचर मिल जाएगी एंड मुझे नेचर में समय स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। सभी को लगता है नेचर में जाके ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में पहुँच गए हैं। नेचर के पास एक इनक्रेडिबल तरीका है आपको ग्राउंड करने का, आपको रियलाइज़ कराने का कि आप प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जिए। मे बी वो जेंटल रसल हो लीव्स का या सन की गर्मी जब आपकी स्किन को छूती है। मैं और मेरे हस्बैंड ना कई बार बात करते हैं, यार ये जो सन हमारे चेहरे पे पड़ रहा है कितना मज़ा आ रहा है, लाइक सन कितना ग्रेटफुल है कि सन रोज़ निकल के हमें इतनी प्यारी गर्मी दे रहा है। और फिर हम दोनों हंसना शुरू कर देते हैं कि अगर कोई हमें सुनेगा कि हम सन को अप्रिशिएट कर रहे हैं या ये वाली चीज़ों को, जो कोई लोग शायद नॉर्मल ज़िंदगी वाले सोचते भी नहीं होंगे, और वो हंसेंगे कि ये दोनों पागल है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें अचीव करनी है लोगों को, कोई उनके पास समय नहीं है सन की ये रेज़ आपकी स्किन पे पड़ती है कैसी फील आती है उसको डिस्कस करने के लिए। जब आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को कॉन्शियसली फील करेंगे, आप ग्रेटफुल फील करेंगे कि आपके पास बहुत कुछ नहीं हो के भी बहुत कुछ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये जो नेचर का वेल्थ है वो ट्रूली प्रीशियस है, कभी आप इंजॉय करके देखना बाहर, आपको बहुत मज़ा आएगा। नाउ हम बात कर रहे हैं सम प्रीशियस मोमेंट की। समथिंग रियली मैजिकल है ये घर के खाने को बाहर आउटडोर्स में खाना, जो सराउंडेड बाय नेचर। इट्स नॉट अबाउट जस्ट फूड, इट्स अबाउट प्रोसेस एंड लाफ्टर। जब हम बैठ के खाते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, फूड का अरोमा फैल जाता है। हमारे इंडियन फूड का तो बहुत ही मज़ेदार फैलता है। और हम लाइक हमने तो जैसे जैसे डेस्टिनेशन पर पहुँचे, हमें इतनी भूख लग रही थी, हमने सोचा पहले खा लें। मैं सोचा लोग इतना वर्कआउट कर रहे हैं, हाइक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, हम सब खाने में लगे हैं, तो हमारी ये मटर पनीर की खुशबू भी पूरी पार्क में फैल गई। सो अलग सा मज़ा आता है इसमें।
अभी आप जब जॉयफुली रहते हैं नाउ में, तो आप ज़्यादा अच्छी ब्यूटीफुल कोर मेमोरीज क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप कॉन्शियसली कैसे रह रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के साथ जिसके साथ आपको प्यार है. ये मोमेंट्स होती हैं प्योर लाफ, एक दूसरे को टीज करना, गेम्स प्ले करना, या कोई भी एक्सपीरियंस एक दूसरे का साथ शेयर करना, ये आपकी हैप्पीनेस का फाउंडेशन है. ऐसी मेमोरीज आपके साथ रहेंगी लाइफ टाइम. आप देखिए कि अगर आप अपने बचपन के बारे में सोचते हैं, आपको कौन सी बातें याद आती होंगी. इतनी सारी बातें होंगी, पर आपको कुछ वही याद आएंगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत जॉयफुल था, या बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ें होती हैं. जो इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास कितने दोस्त हैं, कितनी क्वांटिटी में दोस्त है, इट्स अबाउट कि कितनी क्वालिटी में है और कितनी क्वालिटी वाली मोमेंट्स आप उनके साथ शेयर करते हैं जिसे आप रियली प्यार करते हैं, जो आपके लिए ट्रूली मैटर करते हैं. सो एक और चीज़ है लिविंग इन प्रेजेंट. जैसे मैंने कहा, ये एक्चुअली इन्वॉल्व्स कॉन्शियस लिविंग, क्योंकि हम ना रोबोट्स की तरह हो गए हैं. हमें पता नहीं है, रोज़ हम उठते हैं, रोज़ वो हमारे सेम चोर्स करते हैं, फिर खाते हैं, सो जाते हैं. अगर आप कॉन्शियसली अपने ऊपर ध्यान देंगे, ऐसे प्रटेंड करें कि आप एक मूवी का करेक्टर हैं, एंड अपने आप को आप बाहर निकल के, अपनी बॉडी से बाहर निकल के सीलिंग के पास से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप क्या क्या करते हैं. कॉन्शियसली देखेंगे कि आपके एक्शंस कैसे हैं. सो आप अवेयर होंगे अपने थॉट्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, और अपने सारे एक्शंस के बारे में. इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग ऑल्सो योर पास्ट, क्योंकि हम बहुत बार होता है कि पास्ट की चीज़ों से डरते रहते हैं, रिग्रेट फील करते रहते हैं कि यार मैंने क्या कर दिया, मुझसे गलतियाँ हो गई थी, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं ना. सो इट्स टाइम टू लेट इट गो द रिग्रेट, एंड क्योंकि पास्ट एक बहुत ही प्यारा सा टीचर है, वो आपको हमेशा कोई ना कोई लेसन दे के जाता है. अब आपको अपनी गलती से लेसन मिल गया है, पर वो गलती को सोच सोच के कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, या काश चीज़ें डिफरेंट हुई होती, आप अपना प्रेजेंट पीस खो लेते हैं. सो आपको पास्ट की गलतियों का, पास्ट की चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है. आप अपने प्रेजेंट के बारे में सोचें, ना ही आप फ्यूचर के बारे में चिंता कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है. यस, आपको फ्यूचर कैसा चाहिए उसके लिए आप गोल्स तैयार कर सकते हैं, बट आप चिंता नहीं कर सकते कि चीज़ें आप ही के हिसाब से होंगी, क्योंकि जब आप चीज़ें अपने ही हिसाब से चाहते हैं एंड वो नहीं होती हैं, तो आप ज़्यादा परेशान होते हैं. सो लेट इट गो, गो विद द फ्लो, एंड चीज़ों को इतना कंट्रोल करने की कोशिश मत करें कि रिज़ल्ट आप ही के हिसाब से हो. सो हमने खाना खा लिया है, एंड हस्बैंड अभी भी खा रहे हैं. हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा स्लो खाना खाते हैं. हमने सोचा था कि घर से दूर कोई अच्छी सी लोकेशन में बैठ के खाना खाएंगे. ये लोकेशन एनी बेसिकली ये साइकिलिंग एंड हाइकिंग के लिए है, पिकनिक पार्क नहीं है. पर ये इंफॉर्मेशन डेस्क के पास हमें ये एक टेबल मिल गया है, यहाँ पर बैठ के हमने खा लिया है. एंड आज काफ़ी ज़्यादा गर्म दिन है, पर या व्यू तो. सो अब हस्बैंड के डिज़र्ट खाने की बारी आ रही है. ही गोना टेक अनदर वन ईयर. हमारी पेट पूजा हो चुकी है, एंड अब हम जाने वाले हैं स्टॉप नंबर 2 पे. लेट्स सी कहां पे होता है वो. दिस इज स्टॉप एक्साइटेड. दिस इज स्टॉप नंबर 2. ओ माय गॉड Thank you.
daddy. तो ये एक प्यारा सा टाउन है, इस टाउन का नाम ब्रैग क्रीक, और यहाँ पे हमें ये प्यारा सा कैफ़े मिला और मैंने सोचा कि यहाँ से कॉफ़ी पीते हैं, सो अपने लिए कॉफ़ी लेके आते हैं एंड यहाँ पे बैठ के ये प्यारी ब्रीज का मज़ा लेंगे एंड कॉफ़ी पियेंगे एंड हस्बैंड गोना शेयर विद मी बिकॉज ही इज़ नॉट अ कॉफ़ी पर्सन. Oh, there is a droplet. Where is the droplet? I don't see it. Wait, kid. No, I'm not in this. Hey, mommy, no, there. Daddy. Kiss it. Kiss it. Huh? Kiss it. Daddy, let me help. Daddy. You're going to nail it. I am your and daddy's princess. Why do you always get to be everything? Lily, you do it. So. Three, go. Okay, five. Three, two, one. Ah! That's something cool. You go now. I can try if you let me. With our lives, I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air, thought I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts. So yes, dosto, wrap up karte hain aaj ki discussion. Yaad rakhein ki life collection of nows hai. ना वो पास्ट है ना फ्यूचर है, बट कलेक्शन ऑफ नाउ. लाइक अभी इस मोमेंट में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, नाउ में ही ज़िंदगी चलती है. एम्ब्रेस करें एवरी मोमेंट को
एंड जॉय फाइंड करें हर एक छोटी चीज़ में जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है उसके बारे में चिंता ना करें. एंड होल्ड ऑन टू द लव यू हैव, वेदर इट्स योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड विद इन योर सेल्फ. स्प्रेड लव एंड काइंडनेस एंड पॉजिटिविटी वेयर एवर यू गो. एंड हार्ड वर्क करें, कॉन्शियसली जिए एंड रेस्ट को रहने दें, वो अपने आप अनफोल्ड होता जाएगा जैसे ही आपकी जर्नी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी. थैंक यू सो वेरी मच गाइज ज्वाइन करने के लिए मेरी इस ब्यूटीफुल जर्नी में. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अनटिल नेक्स्ट टाइम, जल्दी ही मिलते हैं. अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइज अ ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. वी गाइज कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. आई लव यू गाइज सो वेरी मच. बाय बाय.